चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 के कुछ खास खबरों पर। बिहार में कोरोना मरीजों की आंकड़ा बढ़कर हुई अब तक 540 के पार। बिहार सरकार ने जारी किया निर्देश, सभी जिलों में खुलेगी इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और हार्डवेयर की दुकानें। जमुई में मेडिकल टीम को किया गया स्क्रीनिंग, साथ ही प्रवासी मजदूरों को स्क्रीनिंग कर भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। कितने लोगों का स्क्रीनिंग किया गया? अभी 40 लोग का किया गया। बाहर से जो आ रहे हैं प्रवासी उनका भी हो रहा है? जी बिल्कुल उसी का। गया पहुंची तेलंगाना से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन, लगभग 8 जिले के 1223 प्रवासी मजदूर पहुंचे बिहार। पटना सिटी में महिला विकास मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सरोज जायसवाल, अनुमंडल शांति समिति सदस्य रामजी योगेश एवं अंजू सिंह ने चौक थाना के महिला पुलिस कर्मियों में मास्क, सैनिटाइजर, नैपकिन एवं साबुन का किया वितरण। जो है हम लोगों ने, चूँकि जो हमारे महिला जो है, जो महिला समाज सेवी हैं सरोज जी और अंजू जी, लोगों की जागरूकता की पहल है कि जो महिला जो थाना में काम करती है, जो महिला सिपाही हैं उन लोगों के लिए, जो उनके निजी मामले होते हैं उन लोगों के लिए सैनिटरी नैपकिन वगैरह का लोगों ने वितरण किया। अपने लेडीज स्टाफ पुलिस के लिए सैनिटरी नैपकिन, मास्क, ग्लव्स और डिटॉल साबुन दिए हैं, ताकि उन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता। बिहार DGP गुप्तेश्वर पांडे बुधवार को पटना सिटी का किया दौरा, मालसलामी बस स्टैंड में सब्जी मंडी का किया निरीक्षण, कहा लॉकडाउन 3 में आम आदमी को नहीं है किसी तरह का कोई छूट, लॉकडाउन का करना होगा पालन। जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था आम आदमी के लिए, तीसरे चरण का लॉकडाउन भी उसी तरह से है, आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है, पहले की तरह अपने घरों में रहिए। नवादा में वाम दलों के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने दिया एक दिवसीय धरना। नवादा जिले के पकरी बरावा के ग्राम उकौड़ा में नली गली विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 9 लोग जख्मी, सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। लॉकडाउन में जमा किए पैसे से खरीदी साइकिल, चलाकर महाराष्ट्र से बिहार के नवादा पहुंचे 3 दोस्त, जिसमें एक विकलांग है शामिल। नवादा के रजौली क्वारंटाइन सेंटर का PGRO अशोक कुमार तिवारी ने बुधवार को किया निरीक्षण, सेंटर प्रभारी को साफ सफाई रखने का दिया निर्देश। अरवल के कुर्था में ईंट भट्टा पर झारखंड के मजदूर को युवक ने मारी गोली, घटनास्थल से देसी कट्टा एवं खोखा बरामद, अपराधी फरार, घायल मजदूर को PMCH में चल रहा इलाज, हालत नाजुक। आपका नाम क्या है? बेरोज भैया। कहाँ काम करते थे? यहाँ सूरज देव किया। सूरज देव? हाँ। सूरज देव भट्टा पर? जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मठियापुर से। मैंने घर कहाँ हुआ आपका? आपका झारखंड? झारखंड बुम्बू। नवादा SDO अनु कुमार का निलंबन हुआ वापस, हिसुआ विधायक अनिल सिंह के पुत्री को कोटा से लाने का आदेश देने के आरोप में किया गया था निलंबन। नवादा जिले के हिसुआ में कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिस कर्मियों को फूलों का माला पहनाकर किया गया सम्मानित। नवादा ITI परिसर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में कराया गया योग, योगा करते दिखे प्रवासी मजदूर। शहीद संतोष मिश्रा के पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव देहरा लाया गया, पुनपुन नदी किनारे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार।